हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग या तो एक खुशखबरी कह लीजिए या आपके लिए बैड न्यूज़ समझ लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने प्रिपरेशन में एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली है यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए ये आप कह सकते हैं कि बैड न्यूज़ भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक उतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं चालू किया है तो उनके लिए गुड न्यूज़ भी है। हालांकि लॉकडाउन को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन या उतने ढंग से, मान लीजिए जहां भी आप लोग रह रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से पढ़ने में उतना मन तो लग नहीं रहा होगा, तो NTA ने भी और HRD मिनिस्ट्री, ठीक, जो HRD ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बोला कि NTA नेट की जो एग्ज़ाम अभी जून में होने वाले हैं उसको पोस्टपोन किया जाए और ये मे बी आपका जुलाई या अगस्त तक हो सकता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जुलाई, जैसे पहले सत्र चलता था 10 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम होता था, तो हो सकता है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएँ। तो एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, हालांकि अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट NTA नेट की वेबसाइट पे नहीं आया है, ठीक। तो अभी आप मान के ये चलिए कि जून में एग्ज़ाम है, क्योंकि जून में अगर आप एग्ज़ाम मान के चलेंगे तो आप प्रिपरेशन को एक नई तरीके से और अच्छी स्ट्रेटजी से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 मंथ टले, 20 दिन भी टल सकता है, 10 दिन भी टल सकता है, क्योंकि जो आपका लास्ट डेट इन्होंने बढ़ाया है वो 16 मई बढ़ाया है। और ये पॉसिबल है कि ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म जब सबमिट हो जाते हैं उसके 1 मंथ बाद एग्ज़ाम होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक। 1 मंथ बाद एग्ज़ाम कराया जाता है, ये एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, कहीं लिखा नहीं गया स्पेशली, ठीक। तो पॉसिबल है कि आपका जुलाई तक होगा, ठीक। तो आपको करना क्या है कि आप जुलाई भूल जाइए, आप जून को यानी 15 से लेके 20 जून को टारगेट करके चलिए, ठीक। और इसी में आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर है उसको देखिए, और पूरा ये मान के चलिए कि आप यहाँ तक जो है 100% तैयारी कर लें जून तक, ठीक। उसके बाद जो भी एक्सटेंडेड होता है डेट, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, यहाँ पे देखिए हमने ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल रखा है, और यहाँ पे यदि नोटिस की बात किया जाए तो नोटिस में आपको यही एक मिल रहा है, ठीक, ये मिल रहा है, इसको हमने डाउनलोड किया है। ये आपका DUET और ये UG PG जो आपका JNU वगैरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं, NIOS के हैं, और जो आपके IGNOU का PhD का एंट्रेंस होने वाला है, JNU का, UG PG का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नीट जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसको भी पोस्टपोन किया गया है। तो आपको करना ये है कि आप जून मान के चलिए और तैयारी एकदम प्रॉपर करते रहिए, ठीक, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाते। ऑफिशियल पे आ जाएगी तब भी आपको 20-25 दिन एक्स्ट्रा समय मिलेगा, तो 20-25 दिन एक्स्ट्रा समय आप ये मान के चलिए कि ये आपके रिवीजन का समय होगा 20-25, क्योंकि आपकी बार डेट बढ़ती है तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। और इस 20-25 दिन में आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि पूरा सिलेबस जो है फिर से कम 2 बार तो कंप्लीट ही कर लीजिए, ठीक। तो 2 बार कंप्लीट करने से आपका कहीं भी प्रश्न जो जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा, और प्रीवियस ईयर एकदम आपको रटा होना चाहिए, इससे जो है आप निश्चित तौर पर आपकी बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लॉकडाउन एक बेहतरीन अवसर लेके आपके लिए आ रहा है। हो सकता है कि कुछ मित्र घर पे चले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो ये जैसे घर पे, मान लीजिए जो पहले जहाँ रह के तैयारी करता है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन वहाँ पे रहती है उतना घर पे जाके नहीं हो पाती है, ठीक, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए जो लोग बाहर हैं तो आप लॉकडाउन में यदि कहीं फंसे हैं तो उसे आप फंसा हुआ ना मानिए, क्योंकि एक आपके लिए हो सकता है कि इसे अवसर के रूप में आप देखिए, और निश्चित तौर पे आप आपकी बार नेट JRF क्रैक कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि इधर और भी परीक्षाएं जो हैं, या मान लीजिए आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या UPSC भी पॉसिबल है कि टल जाएगा, और जो और एग्ज़ाम आपके हैं जैसे CTET वगैरह हैं, TET वगैरह हैं, तो इसमें भी टलने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए जो आपका नेट JRF है
ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है लॉकडाउन में। ठीक, तो जो जून वाला है या जुलाई में भी होता है तो भी आप यदि 15 जून तक, ठीक, 15 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट करके एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं तो बढ़े 20 से 25 दिन में कम से कम आप 2 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं 20 दिन में, क्योंकि आपके पास 10 यूनिट है और 10 यूनिट का कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में भी आपको हो जाएगा यहाँ पे। और यदि आप YouTube चैनल फॉलो नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। ठीक, और अन अकेडमी पर आप दिवाकर यादव के नाम से फॉलो करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम कुछ अन अकेडमी के पिछले 14 सालों के सॉल्व हमने करा रखा है, उन सॉल्व को आप देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ से आपकी परीक्षाओं में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको रिपीटेड होंगे। ठीक, सेम वही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।